हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज जियो दोस्तों आज के वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है नाइन जी ट्वेंटी संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जिसे पी ट्वेंटी के नाम से जाना जाता है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ वेयर वॉज द नाइन जी ट्वेंटी पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट पी ट्वेंटी इसका आंसर है दिल्ली ठीक है पी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था पी ट्वेंटी सम्मेलन में जी ट्वेंटी सदस्यों ने हिस्सा लिया था जी ट्वेंटी में कितने सदस्य हैं पहले बीस सदस्य हुआ करते थे अभी 21 हो गए हैं जो रिसेंट में जी ट्वेंटी समिट इंडिया में हुआ था दिल्ली में हुआ था उसमें यूरोपियन यूनियन एक नया सदस्य बना जो 21वां सदस्य है जी ट्वेंटी का सदस्य बनने के बाद पहली बार अफ्रीका के सदस्य भी शामिल हुए और दोस्तों याद रखें कि कनाडा इस पी ट्वेंटी सम्मेलन में शामिल नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप टू इसका आयोजन कहाँ पर होगा वेयर विल द वुमेन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री भी हेल्ड तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रांची ये रांची में होगा झारखंड के सीएम कौन है वो हेमंत सोरेन है हेमंत सोरेन ने वुमेन एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का अनावरण किया है इस इवेंट का मैस्कॉट क्या है जूही है टूर्नामेंट का नाम रखा गया है झारखंड एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्रेंड्स ये गेम्स सत्ताइस अक्टूबर से चौदह नवम्बर तक खेले जाएंगे कहाँ खेले जाएंगे रांची में खेले जाएंगे ये देश का पहला वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप है जो मोराबादी में मोराबादी एक जगह है झारखंड में वहाँ पे इंटरनेशनल टर्फ हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे खेला जाएगा तो फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है तो ये मोराबादी में लोकेटेड है जो झारखंड में है और झारखंड एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में कौन कौन से टीम भाग लेंगी तो भारत के अलावा चीन जापान कोरिया मलेशिया और थाईलैंड इन सबकी टीम भी भाग लेंगी और टूर्नामेंट में दोस्तों 21 गेम खेले जाएंगे जिसमें रोज़ाना तीन गेम खेले जाएंगे और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने 2016 में पहला खिताब जीता था तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति सम्मान प्रेसिडेंट कलर से किसे नवाज़ा गया तो प्रेसिडेंट कलर नामक राष्ट्रपति सम्मान से किसे नवाजा गया हु हैज बिन अवारेड द प्रेसिडेंशियल ऑन प्रेसिडेंट्स कलर तो इसका आंसर है थ्री नागा बटालियन दोस्तों थ्री नागा बटालियन को प्रेसिडेंट ऑनर प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ जनरल कौन है मनोज पांडे हैं कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर में नागा रेजिमेंट थ्री नागा को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा है तो नागा रेजिमेंट किसका पार्ट है कुमायूँ रेजिमेंटल सेंटर का पार्ट है यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाइयों को दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर सम्मान को निशान भी कहा जाता है प्रेसिडेंट कलर को निशान भी कहा जाता है तो प्रश्न में यह भी हो सकता है कि निशान सम्मान किसे दिया गया तो इसका आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट कलर को कौन देता है ये सम्मान राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इनकेस अगर वो अनुपस्थित हैं तो सेना अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है थ्री नागा बटालियन का गठन कभी हुआ था तो इनका गठन एक अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी हल्द्वानी घाटी में हुआ था हल्द्वानी घाटी कहाँ है दोस्तों ये उत्तराखंड में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्सटी नाइन्थ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है हु रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एट सिक्सटी नाइन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो लोगों को दिया गया है आलिया भट्ट को भी दिया गया है और कृति सेनन को भी दिया गया है तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द एबब हाँ तो आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अवार्ड मिला है और कृति मनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए अवार्ड मिला है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया हु हैज बिन ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू उसका आंसर है वाहिदा रहमान वाहिदा रहमान को दादा साहब फ़ालके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड दादा साहब फ़ालके अवार्ड है ठीक है ये एनअली दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होता है उसमें दिया जाता है ये अवार्ड ध्वंदीराज गोविंद फालके के नाम पर दिया जाता है जिन्हें दादा साहब फालके के नाम से जाना जाता है दादा साहब फ़ालके को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है इंडियन सिनेमा में इनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में रिलीज हुई थी ठीक है फर्स्ट दादा साहब फालके अवार्ड किसे दिया गया था तो देविका रानी को दिया गया था तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों इसका आंसर है सत्रह अक्टूबर सत्रह अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी सेलिब्रेट किया जाता है तो थीम था डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल ठीक है फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी कब सेलिब्रेट किया गया था तो तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर 1933 में पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी सेलिब्रेट किया गया था तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दुनिया भर में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है वन वॉज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड तो इसका आंसर है फिफ्टीन अक्टूबर 2023 में इसकी थीम क्या थी फेल फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग तो स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इसकी थीम रही है इस साल की और इस डे को सेलिब्रेट करना कब से शुरू किया गया है 2010 में यूएन द्वारा यह स्टार्ट हुआ है जब डॉक्टर कलाम का सेवेंटी नाइन्थ बर्थडे था डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इनका जन्म हुआ था पंद्रह अक्टूबर उन्नीस में रामेश्वरम में हुआ था रामेश्वरम कहाँ है तमिलनाडु में स्थित है इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये 2002 में इंडिया के इलेवन प्रेसिडेंट बने थे 1997 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में 1990 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया ठीक है हु इज द रेसिपियंट ऑफ प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2023 2022 का अवार्ड 2023 में अभी रिसेंट में दिया गया है ठीक है तो ये किसे दिया गया है इसका आंसर है शिव शंकरी शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है शिवशंकरी जो है वो तमिल राइटर हैं फ्रेंड्स याद रखें तमिल राइटर हैं ंशम के लिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नाइनटीन्थ एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदक जीते हैं हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स तो इसका आंसर है 107, सौ सात वन हंड्रेड सेवन जिसमें अट्ठाईस गोल्ड रहे हैं अड़तीस सिल्वर रहे हैं और इकतालीस ब्रांज रहे हैं ट्वेंटी एशियन गेम्स कहाँ पे खेला जाएगा जापान में खेला जाएगा जो 2027 में होगा इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है और चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है जापान सेकंड जापान सेकंड पे है और साउथ कोरिया थर्ड पे है तो फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे फ्रेंड्स चाइना है सेकंड पे जापान है थर्ड साउथ कोरिया है फोर्थ पे इंडिया है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए पी ए आर अकाउंट रजिस्ट्री जो हाल ही में खबरों में थी किस क्षेत्र से संबंधित है ए पी ए ए आर अकाउंट रजिस्ट्री विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड किस फील्ड से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स ये एजुकेशन से रिलेटेड है इसका आंसर है एजुकेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो ए पी ए आर का फुल फॉर्म है क्या है इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ए पी ए ए आर को वन नेशन वन स्टूडेंट आई के नाम से भी जाना जाएगा जैसे एडू लॉकर में हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स होती हैं वैसे ही ए पी ए ए आर में हमारे एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स रहेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राफा क्रॉसिंग जो हाल ही में खबरों में थी किन दो देशों के बीच में स्थित है द राफा क्रॉसिंग विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इजिप्ट और गाजा जोराफा क्रॉसिंग पॉइंट है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में सोल क्रॉसिंग पॉइंट है मतलब अकेला क्रॉसिंग पॉइंट है दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग